चिड़ियाघर की यात्रा को जारी रखते हुए इस बार हम जा रहे हैं लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर बने बटरफ्लाई पार्क में। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको तितलियाँ, कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ, फूलों के रंग पसंद हैं, आपको ये जगह स्वर्ग सी मालूम पड़ेगी। उद्यान में प्रवेश करते ही सैकड़ों रंगों के रंग बिरंगे फूल आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े रहते हैं। शाम के समय तितली उद्यान में एक अलग सी रौनक थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल जो गुलाबी, पीले, नीले, लाल और हरे रंगों में चमक रहे थे। सूरज की आंखों में सुनहरी किरणों ने फूलों की रौनक बढ़ा दी थी। सूरजमुखी के फूल अपने चेहरे को सूरज की ओर मोड़े हुए चमक रहे थे। प्रकृति में पेड़ पौधे, फूल ये कीट पतंगे और तितलियों के साथ साहचर्य में होते हैं। साहचर्य यानी कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं जिंदा रहने के लिए। वैसे तो तितलियां बहुत जगह पाई जाती हैं, मगर जहां उनको तितली पार्क जैसा माहौल मिलता है वो वहीं अपना आशियाना बना लेती हैं। ये था जू का बटरफ्लाई पार्क। अभी धूप बहुत है, गर्मी है, तो ज़्यादा बटरफ्लाई तो नहीं दिखी, बट फूल बहुत अच्छे हैं और बटरफ्लाई हैं यहाँ। नीचे जो पानी तालाब था उसमें बैठी थी। तो आगे चल रहे हैं अभी हम, और भी चीज़ें देखते हैं। बटरफ्लाई देखने के लिए यहाँ सुबह सुबह आना चाहिए। उसने रास्ता बदल लिया भाई, वो लकड़ी में घुस गया। जाके देखो तो चलते रहे। तेंदुआ, बब्बर, शेर, ये यहाँ की टॉय ट्रेन है। ये यहाँ पे जो खड़ा है राजहंस। इसे सोवियत संघ ने भारत सरकार को सौंपा था और यह रूस भारत की दोस्ती का प्रतीक भी है। वीआईपी लोगों द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता रहा, जैसे राष्ट्रपति। लखनऊ का म्यूजियम है, फिलहाल बंद हो गया होगा। इसकी टाइमिंग 4 बजे तक ही रहती है। चिड़िया लाए तुम्हारे लिए। चिड़ियाघर के बीचों बीच बने इस बारादरी का स्थापत्य और पत्थरों की नक्काशी आज भी आकर्षित करती है। उमराव जान, इसका एक गाना है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस गाने की शूटिंग यहीं बारादरी में ही हुई थी। अंग्रेजों के समय अंग्रेजी साहब लोगों को इसी ट्रेन में घुमाया जाता था। हम और आप जब चिड़ियाघर आते हैं, इनको देखकर हम खुश होते हैं, चहकते हैं, लेकिन इन जानवरों पर क्या बीतती है ये तो यही जानते हैं। हालांकि चिड़ियाघर जानवरों के संरक्षण और इनके प्रयासों के बारे में जनता को शिक्षित करते हैं, साथ ही जानवरों की जो प्रजातियां विलुप्त प्राय हैं उनको बचाने में भी ये मदद करते हैं। फिर भी ये जनता को इतना शिक्षित नहीं करते कि वे जानवरों को कैद में रखना उचित ठहरा सकें। साथ ही साथ चिड़ियाघर जानवरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो वर्चुअल रूप में चिड़ियाघर घुमाने का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।